स्वागत है आप सबका कारुण्या के यूट्यूब चैनल पे कहानी विद कारुण्या। एंड आज मैं आप सभी को ले आई हूँ टू इस्कॉन मायापुर, विच इज द सेंटर हब ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। ये हब श्रील प्रभुपाद जी ने स्टार्ट किया था। एंड आज ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं इस्कॉन मायापुर आ सकी हूँ। एंड इसका कैंपस बहुत ही ह्यूज, बहुत ही विशाल है। आपको हर एक चीज़ बताएंगे यहाँ पे, आप क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ दर्शन कर सकते हैं एंड इस पूरे ट्रिप का लाभ उठा सकते हैं। तो जल्दी से चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अभी बज रहे हैं अराउंड 7:15। मेन टेंपल हॉल जो है, मैं अभी वहाँ जा रही हूँ एंड आपको सारा नज़ारा यहाँ का दिखाते हैं, विच इज़ सुपर अमेजिंग। फ्रेंड्स, मैं कल रात को पहुंच चुकी थी अराउंड 12 o'clock इन द नाइट। एंड यहाँ आने के बहुत सारे वेज है। आप हावड़ा से डायरेक्टली ट्रेन ले सकते हैं, बहुत सारी ट्रेन्स चलती है, आप बाय रोड आ सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत ही बड़े ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रही थी, सो मैंने बाय रोड ये जर्नी कवर की यूजिंग बस। आप अपने प्राइवेट व्हीकल्स भी ला सकते हैं, बट यूजिंग ट्रेन इज़ बेस्ट रिकमेंडेड आफ्टर सीइंग माई एक्सपीरियंस। सो आप ज़रूर ट्रेन को यूज़ करें, बहुत सारी ट्रेन से दिक्कत नहीं होगी। फ्रेंड्स, तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ मेन टेंपल और आपको दिखाते हैं ये भव्य विशाल मेन टेंपल जो कि स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये पूरा एरिया ही अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड 2028 में ये कंस्ट्रक्शन ख़त्म होगा। एंड इट इज़ अ ह्यूज मैसिव प्रोजेक्ट विच इज़ कैरिड आउट बाय द हरे कृष्णा डिवोटीज टू सर्व आर गुरु मास्टर श्रील प्रभुपाद। एंड आपको बता दें, हेनरी फोर्ड जो है, फोर्ड कंपनी के मालिक, आई गेस प्रेजेंट उनका नाम हेनरी फोर्ड ही है, विल चेक अगेन, जो फोर्ड कंपनी के मालिक है वो यहाँ पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ही इज़ अ डिसाइपल ऑफ श्रील प्रभुपाद आर होली मास्टर। एंड वो यहाँ पे बहुत हाई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एंड दिस प्लेस इज़ सो बिग, सो ह्यूज, सो अमेजिंग। आपको दिखाते हैं। Look at that dome. This is gonna be one of the world's largest temple, I must say. This is gonna be one of the world's largest temple. And abhi andar jayenge. Friends, मैं अभी अंदर दर्शन करके आ रही हूँ। आपको क्या ही बताऊँ, इतनी सुंदर विग्रह है कृष्णा की राधा रानी के साथ और अष्ट सखी के साथ। इतनी सुंदर विग्रह है कि नजर हटती ही नहीं है। नरसिंह देव जी की बहुत ही अच्छी, बहुत 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 ही अच्छी मूर्ति है। श्रील प्रभुपाद की अभी हमने गुरु पूजा की, मतलब इतना आनंद आपको अंदर में आएगा। अंदर में चैतन्य महा एंटर करते साथ ही चैतन्य महाप्रभु और उनके जो साथी है, उनकी अर्ध विग्रह सब है, मतलब इतनी ब्यूटीफुल है कि मतलब शब्दों में वर्णन करना ही मुश्किल है। तो अंदर जो है वो सेलफोन ले जाना अलाउड नहीं है, इसीलिए मैं आपको अंदर नहीं दिखा पाई। अदरवाइज इट वॉज huge, it was amazing, it was breathtaking. मैं मतलब जितना बोलू उतना कम है, मैं क्या बताऊ आपको, इतना ब्यूटीफुल है। चलो कोई नहीं, मैं कम से कम बाहर से आपको दर्शन करा देती हूँ और अगर मुझे अंदर का वीडियो मतलब किसी और ने लिया हो तो मैं वो आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। अभी मैं आपको बाहर के दर्शन कराती हूँ। यहाँ पे मैं आपको रहने का बता देती हूँ। यहाँ पे रहने के लिए बहुत सारे भवन मिल जाएंगे। जैसे मैं रह रही हूँ गीता भवन में, वैसे बहुत सारे और भवन, जैसे गदा भवन हो गया, मेनी मोर। ये सारी की बुकिंग जो है आप ऑनलाइन इस्कॉन मायापुर के वेबसाइट से जाके करवा सकते हैं। आप बुकिंग जो है पहले से कराइएगा, प्री प्लान रखिएगा ट्रिप को,
क्योंकि बहुत ज्यादा ही रश रहता है एंड यहाँ पे बुकिंग्स मिलना भी काफी फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सो आप पहले से प्री प्लान करके रखिएगा ट्रिप को एंड अकॉर्डिंगली बुक करवा लीजिए। जगह जगह फ्रेंड्स आपको बहुत सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे भी महाप्रसादम का स्टॉल लगा हुआ है, केक स्नैक सब मिलेगा, पिज्जा बर्गर सब मिलेगा। जो भी भगवान को भोग लगाया जाता है वो सब आप खा सकते हैं, तो खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बहुत आराम से 2 दिन यहाँ पे स्पेंड करेंगे और खूब आनंद लेंगे इस नेचुरल ब्यूटी का। चिड़ियों की चहकने की आवाज तो मैं शायद शहरों में भूली गई थी। दोस्तों जो ये चंद्रोदय टेम्पल है ये मायापुर का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्पॉट्स हैं यहाँ पे कवर करने के लिए। सो फर्स्ट स्पॉट जो हम लोग कवर कर रहे हैं वो है प्रभुपाद का पुष्प समाधि स्थल, तो यहाँ वो भी बहुत भव्य बहुत सुंदर है। तो अभी फर्स्ट वो कवर करिए। जो पूरा एरिया है ये 700 एकर्स में है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा विशाल और भव्य है यहाँ पे। मतलब आपको आराम से धीरे धीरे घूमने में, अगर आप हर एक प्लेस कवर करना चाहते हैं तो 3-4 दिन आराम से यहाँ पे आप स्पेंड कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे 2 दिन स्पेंड कर रही हूँ एंड देखते हैं कितना कवर हो सकता है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं प्रपात का पुष्प समाधि स्थल। दोस्तों ये जो है ये यहाँ मायापुर का थिएटर है एंड यहाँ भी लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज वगैरह लगी जाती है, बट वो मूवीज वैसी नहीं जो हम फिल्म हॉल्स में देखते हैं। जैसे ये जो होती है जो भगवान से रिलेटेड होती है, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए होती है। यहाँ पे मूवी लगा हुआ है समुद्र मंथन। अभी ओवरऑल एरिया भी बहुत अच्छा है एंड यहाँ गौरव भैया मुझसे फोटो उठाते हुए, बहुत अच्छा एरिया है एंड बहुत आनंद आ रहा है। गौरव भैया कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। यहाँ देखिएगा भी होगा कि यहाँ पे थिएटर भी हो सकता है, यहाँ पे अपन रिक्रिएशन भी कर सकते हैं, मनोरंजन भी कर सकते हैं। जो आप देख रहे हो ये है प्रभुपाद का पुष्प समाधि स्थल और हम पहुंच चुके हैं। करीबन 15 मिनट लगा है हमें यहाँ कंप्लीट पहुंचने में। यानी बहुत ही भव्य और विशाल दिख रहा है। दोस्तों यहाँ भी मोबाइल कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, तो हम अभी वहाँ पे वो पुष्प समाधि स्थल जो है जो मैंने आपको जस्ट दिखाया था वहां भी जाएंगे एंड यहाँ पे आपको अपने शू फोन्स वगैरह सब उतार के रखना है। व्यवस्था बहुत अच्छी है, कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत नहीं होगी। सो दोस्तों मैं अंदर में प्रपात के जो पुष्प समाधि इसका दर्शन करके अभी बाहर आ गई हूँ। अराउंड 1 आवर लग जाएंगे। बहुत अच्छे से दर्शन करिए, वहां पे बैठिए, थोड़ा यू नो मेडिटेशन वगैरह चैंटिंग वगैरह करिए वहां पे एंड जब आप जाओगे अंदर में बहुत ही भव्य एक प्रपात के पास टाइम्स की गैलरी है, जहाँ पे पूरा एक स्ट्रक्चर फॉर्म में दिखाया गया कि प्रभुपाद कैसे इतने ओल्ड एज पे 65+ के एज पे यूएस गए थे, वहां पे हिपीज को कैसे उन्होंने कृष्णा कॉन्शियस सिखाया, जस्ट 40 रुपीज इन हिज पॉकेट एंड कैसे वो यूएस पहुंच गए एंड बहुत सारा मतलब आपको डिटेल्स मिलेगा। आप समझेंगे कि कैसे उतने ओल्ड एज पे भी वो रात को 10 बजे से लेके मॉर्निंग 4 बजे तक बुक्स लिखते थे एंड इन जस्ट 11 ईयर्स उन्होंने 80 बुक्स लिख दिए एंड 80 बुक्स तो हम अपने लाइफ टाइम में भी नहीं पढ़ पाते, ऐसा होता है। उन्होंने जस्ट 11 ईयर्स के यू नो पीरियड में वो बुक्स भी सारे लिख दिए, तो बहुत बहुत अच्छा लगेगा आपको अपना अपने इंडिया का कल्चर हिस्ट्री जान के कैसे कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो एरिया मैं दिखा रही हूँ ये जस्ट पुष्प समाधि के बाहर का एरिया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे फाउंटेन चल रहे, व्यू बहुत ही अच्छा है दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ बस गर्मी बहुत ज्यादा होती है मार्च के मंथ पे, तो आप जब भी आए मतलब सनग्लासेस हो गए या फिर कैप्स हो गए, थोड़ा पानी बॉटल हो गए, ये सब लेकर आइएगा एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं टेंपल ऑफ प्लैनिक वेजिटेरियम। यहाँ पे बहुत बड़ा प्लैनेटोरियम खुल रहा है, बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, जहाँ पे आपको डिपिक्ट किया जाएगा हमारे कल्चर के बारे में, जहाँ पे कैसे प्लानिटरी सिस्टम वर्क करता है, कैसे अलग अलग लोग्स जो होते हैं स्वर्ग लोग पृथ्वी लोग एंड ऐसे करके बहुत सारे लोग्स होते हैं, उन सब का बहुत अच्छा सा डिस्क्रिप्शन होगा। द साइंस बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट, सब कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत ही अच्छा एक क्लब करके दिखाया जाएगा। ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट जब ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू कम एंड अंडरस्टैंड द रियल साइंस बिहाइंड द प्लैनेट एंड वर्किंग ऑफ दिस यूनिवर्स। दिस
इज अ मस्ट कम प्लेस इन योर चेकलिस्ट। दोस्तों ये प्रभुपाद की भजन कुटीर है एंड अगर आप स्कॉन हरे कृष्णा मूवमेंट से जुड़े हुए होंगे तो आपने सुना होगा कि फर्स्ट बुक टू रीड इज परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर। ये वही प्लेस है जहां प्रभुपाद ने बैठ कर परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर की चर्चा की थी एंड वी आर सो लकी दैट वी आर सीइंग दिस प्लेस। अब आगे हम चलते हैं और हम जाएंगे POBP विच इज द प्लानिटरी म्यूजियम एंड उसका रास्ता यहाँ से होता हुआ जाएगा। आप देख सकते हैं ये अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है एंड हम सब जा रहे हैं POBP को देखने। TOBP एंड TOBP का सेवा ऑफिस है, यहाँ पे जाके टिकट्स वगैरह लेनी होगी एंड उसके बाद हम अंदर जाके उसे एक्सप्लोर कर सकेंगे। दोस्तों ये है TOBP, हमने एंट्री कर ली है एंड अभी यहाँ पे हम पहुंच गए हैं। ये है पूरा TOBP का एरिया एंड अभी हम अंदर जाएंगे। फिर से बोलना चाह रहे हैं फोर्ड ने इसको डोनेट किया है, काफी सारा हिस्सा इसमें डोनेट करके लगभग 800 करोड़ की प्रॉपर्टी है जिसमें 400 करोड़ उन्होंने डोनेट किया है इस मंदिर के लिए। और ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। ये ऐसी बिल्डिंग होगी जो सबसे बड़ी रेजिडेंशियल बिल्डिंग होगी पूरे वर्ल्ड की। ये बहुत ही विशेष प्रकार का मंदिर है और ये विशेष इसलिए है क्योंकि इस मंदिर के बारे में भगवान ने 500 वर्ष पहले भविष्यवाणी की थी कि इस प्रकार का मंदिर यहाँ आने वाला है। तो ये स्वयं भगवान की भविष्यवाणी है कि ये मंदिर यहाँ पर आएगा। और हम सभी जानते हैं कि इस्कॉन आंदोलन जो है यह भी एक साधारण आंदोलन नहीं है, ये एक विशेष प्रकार का आंदोलन है जो खासकर इस कलयुग में हम जैसे बद्ध आत्माओं के लिए। ये मंदिर का आउटर एरिया है एंड फर्स्ट फ्लोर को पुजारी फ्लोर कहा जाता है जहाँ पे मोर देन 70 रूम्स है एंड यहाँ भगवान के यूज में आने वाली उनके प्रसाद एवं उनके ड्रेस उनके श्रृंगार अतः के लिए जितने भी यूज आने वाली इलेक्ट्रिसिटी आइटम्स होती है वे सब रखी जाती है। और ये जो है दोस्तों ये मेन एरिया है जो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है पूरा टेक्नोलॉजी के माध्यम से। यहाँ पे प्लानिटरी साइंस बिहाइंड आर यूनिवर्स उनसे बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट द ग्रेविटेशन वो सब सब इस भव्य एरिया में बताया जाएगा। ह्यूज इट्स मैसिव एंड इट्स ह्यूमंगस। दोस्तों ये जो एरिया है उसमें ये साइड जो अभी बताए थे प्रभु जी ने वो है नरसिंह देव जी का टेंपल एंड ये पूरे एरिया में अराउंड 10,000 भक्त एक साथ खड़ा होकर दर्शन कर सकते हैं। सो इट इज दैट ह्यूज दैट मैसिव एंड दैट ह्यूमंगस। और यहाँ पर आपको तीन ऑल्टर दिखाई दे रहे हैं और ये ऊपर में आप देखिए आपको जो डोम दिखाई दे रहा है ऊपर में ये विश्व का सबसे बड़ा डोम है अब तक का, विश्व का सबसे बड़ा डोम है, पूरा स्टेनलेस स्टील स्ट्रक्चर है। और ये डोम का डायमीटर है 170 फीट। दोस्तों ये जो पूरा मंदिर का एरिया है ये इसकी ऊंचाई जो है 370 फीट ऊंची होने वाली है एंड ये जो बीच ये जो डोम स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डोम स्ट्रक्चर है एंड ये पूरे एरिया में ये जो डोम स्ट्रक्चर जो आप पूरा ऊपर में देख रहे हैं यहाँ पे अराउंड 80 केजीज का शैंडिलियर बनेगा। तो आप इमेजिन कर सकती है कितना भव्य और बड़ा होगा और पूरे शैंडिलियर जो झूमर होगा उसमें जितने भी हमारे लोग हैं सनातन पताल सारे लोग पृथ्वी लोग और उसके ऊपर के लोग लेके ब्रह्म लोक से लेके फिर पूरा शिव लोक एंड देन गोलोक वृंदावन पूरा का डिपिक्शन किया जाएगा एंड जो चार फ्लोर्स है यहाँ पे भगवान की अलग अलग लीलाएं भी बताई जाएंगी। तो ये बहुत ही भव्य विशाल एक बनने वाला है एंड यहाँ से और थोड़ा सा अगर आगे जाएंगे तो वहां पे थिएटर भी बन रहा है। वो जो थिएटर रहेगा वो वैदिक थिएटर रहेगा जहाँ पे पूरा डिजिटल माध्यम से बताया जाएगा कि भगवान की क्या क्या लीलाएं थी एंड व्हाट इज द साइंस बिहाइंड द प्लैनेटरी सिस्टम
जितने भी बिग बैंग थ्योरी एंड जो डार्विन थ्योरी है दोज ऑल आर क्रैप टू बी ऑनेस्ट. एंड जो एक्चुअल वे है किस तरह जो हमारे भागवतम में बताया गया है कि किस तरह से पूरा प्लैनेट सिस्टम है, किस तरह से यूनिवर्स चलता है, किस तरह से हमें ऑक्सीजन मिलता है, एंड देयर आर सो सो मच साइंस बिहाइंड एवरीथिंग यू नो, वो सब मतलब उस थिएटर में बताया जाएगा. तो ये यहाँ पे जो अल्टर्स हैं हमारे, ये अल्टर्स जहाँ पे यहाँ पे सारे अर्च विग्रह जो है 2024 में आ जाएंगे एंड यहाँ पे उनकी सेवाएं स्टार्ट हो जाएंगी एंड फिर धीरे धीरे कार्य बढ़ता रहेगा एंड कुछ वर्षों में ये जो पूरा एरिया है वो भी बन के रेडी हो जाएगा. आइए अब मैं आपको लेके चलती हूँ यहाँ के कुछ कुछ आर्टिस्ट के साथ जो भगवान के सेवा में लगे हुए हैं और आर्ट कर रहे हैं. तो देखिए ये अपने हैंड से पूरा एरिया को कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आर्ट दे रहे हैं, कितना बारीकी से ये काम कर रहे हैं एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है. प्रभु जी ये कितने दिन हो गए करते हुए? एक साल हो गया. एक साल से ये वाला कर रहे हैं? अच्छा अच्छा. तो दोस्तों अभी प्रभु जी ने मेरे को बताया कि ये जो पूरा हैंड से ये लोग कार्व कर रहे हैं, ये देखिए चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं एंड वहाँ पे संकीर्तन चल रहा है. मैं देखिए दोस्तों चैतन्य महाप्रभु किस तरह से संकीर्तन करते हुए जा रहे हैं एंड उनके साथ सारे भक्तजन जो है सब कोई चैंटिंग करते हुए संकीर्तन करते हुए जा रहे हैं. और ये जो है ये 1 ईयर से लगे हुए हैं, इसमें कुछ टाइम लॉकडाउन में 4-5 महीने बीत गए, बाद बाकी ये पूरा हैंड से पेंट कर रहे हैं. तो इट्स अमेजिंग कि लोग कैसे भगवान की सेवा करते हैं, किस तरह से अपना टाइम स्पेंड करते हैं. सी तो दे आर वर्किंग एंड ऑल्सो द वर्क दे आर डूइंग इज टूवर्ड्स गॉड एंड यही हमारा कल्चर है जो श्रील प्रभुपाद ने कहा था. ब्यूटिफुली दे आर डूइंग इट एंड दिस लुक्स सो अमेजिंग. दोस्तों तो यहाँ पे लंच प्रसादम के लिए लाइन लगी हुई है. वैसे लाइन आपको काफ़ी बड़ी दिख रही होगी लेकिन क्योंकि आगे में इतना फास्ट काम चलता है तो ये 10 मिनट में ही सबका खाली हो जाएगा. इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जैसे हमारे पुराने ज़माने में हमारे वैदिक टाइम्स में इस तरह से ज़मीन में बैठ के खाना खाना चाहिए और भोजन को हमेशा अपने से ऊपर का स्थान देना चाहिए, तो आप देख सकते हैं वैसे ही व्यवस्था इधर की गई है. और जो लोग ज़मीन में नहीं बैठ सकते उनके लिए इधर टेयर टेबल्स भी है. यहाँ से लेके पूरा उस तरफ तक मैं आपको दिखाती हूँ, ये पूरा एरिया वैसे बना हुआ है एंड सारे कोई आराम से बैठ के भोजन पा रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं. दोस्तों अभी बज रहे हैं इवनिंग के 4:30 और मैं निकल चुकी हूँ गंगा स्नान के लिए. यहाँ पास में ही है, अभी वहाँ जाएंगे. तो जैसे मैंने आपको मॉर्निंग में दिखाया था, हमने बहुत कुछ कवर किया था. सबसे पहले तो चंद्रोदय मेन टेम्पल जो है उसे चंद्रोदय टेम्पल भी कहा जाता है. वहां हमने गया जहाँ पे पंच तत्व के अर्च विग्रह है, राधा कृष्ण है अपने अष्ट सखियों के साथ. उसके बाद में फिर वहां पे नरसिंह देव जी की अर्च विग्रह है, पीओपी कवर किया था जो कि प्लानिटरी वैदिक प्लानिटरी म्यूजियम है. एंड प्रभुपाद का पुष्प समाधि स्थल हमने कवर किया था जहाँ पे प्रभुपाद के बर्थ से लेकर के उनकी जो जर्नी है ऑफ हरे कृष्णा स्प्रेडिंग ऑफ हरे कृष्णा मूवमेंट वो पूरा बताया गया था. बहुत ही अच्छा आर्ट्स स्कल्पचर्स के द्वारा. तो हमने इतनी सारी चीज मॉर्निंग में कवर की थी और भी यहाँ पे बहुत कुछ है कवर करने के लिए. तो अभी हम चल रहे हैं गंगा स्थान के लिए, उसके बाद हम फिर और जगह जाएंगे और आपको और सारी डिटेल देते हैं. तो अगर आपको अभी तक ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, आप मायापुर विजिट करना चाहते हो एंड कुछ भी क्वेरीज है अगर आपकी तो प्लीज मुझे कमेंट करिए एंड बताइए एंड मैं कोशिश करूंगी आपके क्वेश्चंस को आंसर करने में. जितना मुझे पता है मैं पूर्ण कोशिश करूंगी. ठीक है दोस्तों, मंदिर से गंगा घाट आने के लिए आपको इस तरह के ऑटो छोटे छोटे हैं ये मिल जाएंगे. आप मंदिर से बाहर ही डायरेक्ट ऑटो कर सकते हैं एंड जस्ट कुछ मीटर्स है बस वहां से लेकर के आप आ सकते हो और फिर यहाँ पे गंगा घाट जाया जाता है स्नान करने के लिए. तो बहुत ही अच्छा एंड पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ पे एंड आप सामने देख रहे हैं गंगा जी बहती हुई. दोस्तों
बहुत ही अच्छा लग रहा है। जस्ट सन ऊपर में है एंड रेज आ रहा है, एकदम गोल्डन रेज पड़ रही है गंगा जी के ऊपर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों गंगा जी का स्नान हमने कर लिया है एंड आप सभी जानना चाह रहे होंगे लाइक ड्रेस चेंज वगैरह का क्या व्यवस्था है। सो जनरली गाइस जो है वो तो घाट पे ही मतलब ड्रेस चेंज कर लेते हैं, बट लेडीज के लिए आप मेरे जस्ट पीछे जो है वो वाला, वो ये जो मैं पॉइंट कर रही हूँ, ये हाँ ये जो मैं पॉइंट कर रही हूँ ये वाला एरिया आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आप आराम से अपनी ड्रेस चेंज कर सकते हैं और रेडी हो सकते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं ये पूरा जो है मार्केट एरिया है मंदिर के बाहर, ये पूरा मार्केट एरिया लगता है और हम इस तरह छोटे छोटे ऑटो में बैठ के, जिसे टुक टुक भी कहते हैं, यहाँ इसमें बैठ के जा रहे हैं योग पीठ जो कि चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस है। अराउंड 2 किलोमीटर्स के एरिया है गंगा घाट से योगपीठ का एंड बहुत ही अच्छे से टुक टुक की सवारी करते हुए आप यहाँ पहुंच जाएंगे आराम से। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो जहाँ हमने कवर किया है डे 1 इन मायापुर विथ स्कॉन चंद्रोदय मंदिर एज अ मेन टेम्पल एंड टीओवीपी चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस, प्रभुपाद की पुष्प समाधि और बहुत सब कुछ। आई होप आपको पसंद आया हो, अगर आया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा और कल हम लोग बहुत और भी प्लेसेस कवर करने वाले हैं। So stay tuned for tomorrow's video. तब तक के लिए हरे कृष्णा।